अगर आप फ्री बिजली पानी देने वाली पार्टियों को वोट देते हैं तो आपको वेनेजुएला के बारे में पता होना चाहिए। लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला मात्र 2 दशक पहले तक दुनिया के समृद्ध देशों में हुआ करता था, लेकिन 1998 में मार्क्सवादी समाजवादी नेता ह्यूगो चावेस वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने। इसके बाद ये खुशहाल देश देखते ही देखते विश्व का सबसे कंगाल देश बन गया। ह्यूगो चावेस ने आते ही सबसे पहले बिजली पानी मुफ्त कर दिया। उसने हर वो काम किया जिससे नागरिकों को बिना कोई कीमत चुकाए हर सुविधा मिलती रहे। इससे लोगों की उत्पादकता कम होती गई और मुफ्तखोरी बढ़ती गई। लोगों ने इन सुविधाओं को अपना अधिकार मान लिया। परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे वेनेजुएला दिवालिया हो गया। आज वहाँ भुखमरी की स्थिति है और विदेशों से मिलने वाली भीख पर ये देश अब आश्रित है। कल्पना कीजिए वेनेजुएला में क्या होता होगा जहाँ वर्ष 2018 में वार्षिक महंगाई की दर 13% रही थी, जबकि वेनेजुएला दुनिया के सबसे अधिक तेल भंडार वाले देशों में से एक है। ह्यूगो चावेज की 2013 में मौत हो गई, लेकिन उनकी वामपंथी समाजवादी विचारधारा ने वेनेजुएला को एक अंधे कुएं में धकेल दिया। इससे वो आज तक बाहर नहीं निकल सका है। कभी यहाँ लोकतंत्र हुआ करता था, लेकिन आज तानाशाही है। वेनेजुएला की बर्बादी की ये कहानी जानना जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि कोई नेता जब मुफ्त बिजली पानी का वादा करता है तो वो देश को बर्बादी के किस रास्ते पर ले जाने की तैयारी कर रहा होता है।